हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुलेखा लाइफस्टाइल चैनल। तो अगेन आ गई हूँ मैं इस्कॉन टेंपल का सेकंड पार्ट लेके। तो आइए चलती हूँ आपको दिखाती। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर है इस्कॉन टेंपल के नीचे वाले एरिया में एक शॉप। ये ऑलवेज ऐसी ही शॉप रहती है। यहाँ पर ज्वेलरी एंड फेस्टिवल पूजा का सामान सारा आइटम मिलता है। तो आइए आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या इंडियन आइटम है। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल हैं। तो चलिए हमारे साथ चलिए बाहर का व्यू दिखाऊंगी आपको। साइड में देखिए, यहाँ पर हैं कुछ ऐसे एनिमल जो आपने शायद देखे हों या ना देखे, बट मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। और ये है लामास। यहाँ पर कुछ लामास को रखा गया है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, आज लाइक कैमल के जैसे होते हैं ये। तो बहुत शर्मीले होते हैं, अगर इनसे कोई छेड़खानी करता है तो ये उस पर स्प्लिट कर देते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको व्यू? इधर देखिए, यहाँ पर लाइन से ब्लैक वाइट एंड ब्राउन है उस साइड में है, और ये खाने पीने का सारा आइटम इनके पास है। तो अभी आज तो बहुत अच्छा है वेदर है यहाँ पर, तो धूप भी है, तो सारे जानवर यहाँ पर आज टहल रहे हैं। तो और पिकॉक भी ओपनली यहाँ पर हैं, और भी है। हो जाओ आप सब लोग, क्योंकि यहाँ पर लामा पधार रही हैं। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई थी मैं विंटर में ही, तो हमारे घर से यूटा में, हमारे घर से डिस्टेंस इसकी 1 आवर, 1 घंटे की है ट्रिप। तो यहाँ आकर जो सीन देखने को मिलते हैं ना, रियली ऐसी फीलिंग आती है कि हम किसी और ही दुनिया में हैं। चलिए हमारे पास आ गए हैं लामा जी। हेलो, हाउ आर यू? हाय लामा। अमेजिंग सीन है यहाँ का, ये देखिए। चलिए चलते हैं उस साइड में, वहाँ पर एक वाइट पिकॉक है, और भी ढेर सारे पिकॉक हैं यहाँ पर। चलिए एक बार देखते हैं वहां पास जाके। तो भाग रहा है पिकॉक, तो है ना अमेजिंग। तो आइए अब ले चलती हूँ आपको सेक्रेट काउ फार्म। टेंपल के जस्ट सामने अभी एक न्यू काउ फार्म हाउस बन गया है। मैंने भी अभी सेकंड टाइम ही देखा है, कभी नहीं था यहाँ पर। तो आप भी देखिए, इंडिया में बहुत काउ आपने देखी होंगी, बट अमेरिका में कैसे काउ रहती हैं, उनके क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, क्या खाती हैं, कैसी दिखती हैं, तो आइए इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। कहीं मत जाइएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, सेक्रेट काउ फार्म मीन्स है पवित्र गायों का धाम। तो यहाँ गायों को ना काटा जाता है ना ही मारा जाता है, और गायों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर बुल है दूसरी साइड में, और उसके बगल में काउ है, तो अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। देन यहाँ पर जस्ट सामने ही उसके मंदिर है, मंदिर के फ्रंट वाले एरिया में ही काउ फार्म बना हुआ है। तो यहाँ पर इनके खाने से लेकर रहने तक बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं। यह हेज भूसा जो रोल करके यहाँ रखा गया है और इनको दिया जाता है खाने के लिए। साथ में ये देखिए ग्रीन कलर की हरी हरी घास,
ताजी, जो खा कर ये बहुत ही हेल्दी हो जाती हैं। बहुत ही हेल्दी हैं यहाँ की काऊ, और साथ में इनके टैग लगा हुआ है कानों पे, दोनों कानों में टैग लगाते हैं जिससे कि इनको ढूंढने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, सर्च कर सके, उसमें नंबर भी पड़ा होता। यहाँ की गाय एकदम ब्लैक कलर और ब्राउन कलर की होती हैं, और इनसे मिल्क निकाला जाता है, इनकी अच्छे से केयर होती है, इनको हरी हरी घास और भूसा खिलाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट कलर की काऊ दिखती है, बट यहाँ पर हमने ब्लैक एंड ब्राउन में ही देखा है, और जो इनकी हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। और साथ में काऊ माता ने यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं गोबर, और उन्होंने हमारे पास आ गई है काऊ। हाय 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 काऊ माता। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं, खाने के लिए भी है, और विंटर होता है, जैसा भी वेदर होता है उनको उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर फार्म हाउस में काऊ का मिल्क अमेरिका में मशीनों से निकालते हैं, और कुछ गाय ऐसी होती है उनके फार्म हाउस अलग होते हैं, अगर वो बूढ़ी हो जाती हैं तो उनको मार देते हैं और उनके बीफ को खाने के लिए मार्केट में सेल कर देते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि होली यहाँ की फेमस है, इसे होली टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है। तो यूटा के इस इस्कॉन टेम्पल में होली के रंग इतने अच्छे होते, काफ़ी दूर दूर से यहाँ होली सेलिब्रेट करने आते हैं। हमारी आज की ट्रिप, अब चलते हैं वापस, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी, और शेयर करना बिल्कुल भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।